फेस्टिव सीज़न आ चुका है और हम लोग सभी इस फेस्टिव सीज़न में पार्लर ज़रूर जाते हैं हेयर स्पा कराने के लिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं पार्लर में हेयर स्पा के पीछे। तो मेरी ये वीडियो, आज की वीडियो उन लोग के लिए है, ये बहुत हेल्पफुल होगा उन लोग के लिए जो लोग घर पर हेयर स्पा करना चाहते हैं और बहुत ही मतलब कम इन्वेस्टमेंट में आप लोग का अच्छा खासा रिज़ल्ट मिल सकता है, एकदम सैलून वाला रिज़ल्ट मिल सकता है। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग के साथ पूरा प्रोसेस शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट द वीडियो। तो कोई इस प्रोसेस में कुछ भी प्रोडक्ट्स नहीं लगेगा, जो भी प्रोडक्ट्स लगेगा वो आपके घर पर ही है, बस एक प्रोडक्ट आप लोग को मार्केट से ख़रीद के लाना है जो कि है हेयर स्पा क्रीम। आप लोग कोई भी ब्रांड का हेयर स्पा क्रीम खरीद सकते हैं, मैं एक पर्टिकुलर ब्रांड नहीं सजेस्ट करूँगी आप लोग को क्योंकि मेरा ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। तो आप लोग कोई भी कंपनी का हेयर स्पा क्रीम खरीद सकते हैं। मैं जो आज यूज़ कर रही हूँ वो है देखिए वेस्टिज का हेयर स्पा क्रीम, और इसका प्राइस भी मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए इसका प्राइस। और ये इंडियन ब्रांड है और कोई भी हार्श केमिकल इसमें यूज़ नहीं हुआ है, तो ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आप लोग जो अच्छा लगता है वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, और अगर कोई सेम प्रोडक्ट यूज़ करना चाहता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग परचेस कर सकते हैं लिंक में जाकर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना हेयर आप लोग को दिखा दूँ, देखिए कितना ज़्यादा डैमेज हो चुका है, और मैं हेयर में ऑयल लगा रखी हूँ। और अगर आप लोग ऑयल नहीं भी लगाते हैं तो भी हेयर स्पा क्रीम अप्लाई करने से पहले हम लोग को शैम्पू कर लेना है, क्योंकि हम लोग के हेयर में बहुत सारे ऑयल जम जाता है या फिर डस्ट जम जाता है, हम लोग बाहर जाते हैं तो हम लोग सबसे पहले हेयर को वॉश कर लेते हैं। तो चलिए हेयर वॉश करते हैं, और हेयर वॉश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ जस्ट 1 रुपीज़ का एक शैम्पू, क्लिनिक प्लस शैम्पू। तो इसी से मैं अपने हेयर को वॉश कर लूँगी और उसके बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मेरा हेयर कैसा है। सो फ्रेंड्स, मैंने हेयर वॉश कर लिया है, और वॉश करने के बाद हम लोग को हेयर को ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, बस टॉवल से ऐसे पोंछ लेना है, टॉवल ड्राई ही करना है। हेयर ड्राई हो जाने के बाद अब हम लोग हेयर को अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे। तो हमने हेयर को अच्छे से कॉम्ब कर लिया है, अब एक छोटा सा बाउल लेंगे और उसमें ये जो स्पा क्रीम है उसको ले लेंगे। और मेरा हेयर का लेंथ मीडियम है तो मेरे को थोड़ा कम क्रीम लगेगा, लेकिन वॉल्यूम मेरा ठीक ठाक है, तो फिर भी देखिए मैं कितना क्रीम ले रही हूँ। जितना आपको लगेगा उस हिसाब से ले लीजिए, मैं इतना ले रही हूँ। तो ये एक बार ख़रीद के आप लोग कम से कम 10 से 12 बार 15 बार कर सकते हैं, तो सोचिए 400 इन्वेस्टमेंट करके आप कितना बार कर सकते हैं। हेयर को पहले पार्टीशन कर लेते हैं एक क्लेचर के हेल्प से। अब एकदम थोड़ा थोड़ा हेयर लेंगे, एकदम थोड़ा सा। और एक बात, आप लोग मतलब स्पा क्रीम लगाने से पहले हेयर वॉश के बाद कंडीशनर बिल्कुल मत लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशनर का ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग वॉश करने के बाद डायरेक्ट स्पा क्रीम अप्लाई करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हेयर ले लेते हैं, इतना सा करके हेयर लेंगे, देख लीजिए, और क्रीम को ऐसे अप्लाई करेंगे, रोल कर देंगे, ऐसे रोल कर करके छोड़ दीजिए। फिर थोड़ा सा हेयर लेंगे, और स्कल्प में मत लगाइए, स्कल्प छोड़ के लगाइए, पूरा एकदम एकदम नीचे तक लगाइए अच्छे से। ये देखिए ऐसे रोल कर करके मैं लगा ले रही हूँ, तो ऐसे करके पूरा हेयर को करेंगे। तो मैंने पूरे हेयर में अच्छे से क्रीम लगा चुकी हूँ मैं, और अब हेयर को थोड़ा अच्छे से मसाज करेंगे, ऐसे पूरे हेयर को पकड़ के, पूरे हेयर में अब क्रीम लग गया है तो पूरे हेयर को पकड़ के ऐसे पूरा मसाज कर लेंगे। उससे क्या होता है ना कि हमारा जो हेयर का जो ये पोर होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो अच्छे से इसको मसाज कर लेंगे। तो 15 मिनट्स हो चुका है फ्रेंड,
और अभी हम लोग हेयर वॉश नहीं करेंगे, हेयर वॉश के पहले हम लोग हेयर में स्टीम देंगे। तो स्टीम के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हॉट वाटर, और हॉट वाटर में मैं टॉवल देके उसको अच्छे से हेयर को कवर कर लूँगी। आप लोग देखिए कैसे करना है। सो टॉवल के मदद से ऐसे करके हेयर को पूरे अच्छे से कवर कर लेना है, और उसको भी हम लोग छोड़ देंगे 10 मिनट्स के लिए। तो चलिए 10 मिनट्स के बाद आप लोग से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स 10 मिनट्स हो चुका है, तो हम लोग हेयर वॉश करते हैं और देखते हैं कैसा लगता है। तो चलिए देख। तो फ्रेंड्स मेरा हेयर वॉश हो गया है, आप लोग देख रहे हैं अभी हेयर काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन आप लोग अभी उतना समझेंगे नहीं, तो इसीलिए मैं हेयर को थोड़ा ड्राई होने देती हूँ और मैं हेयर को नेचुरल ड्राई होने दूंगी, क्योंकि अगर हेयर ड्रायर से अगर मैं हेयर को ड्राई करती हूँ तो हेयर काफ़ी रफ हो जाता है। तो आप लोग भी मत करिएगा, अगर आप लोग मतलब जल्दबाजी में हो तो भी थोड़ा सा नेचुरल ड्राई होने दीजिए, तो जाके आप लोग को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए हेयर को ड्राई होने देती हूँ, उसके बाद आप लोग देखिए कैसा लगता है। सो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं मेरा हेयर ड्राई हो चुका है, और काफ़ी मेरा हेयर स्ट्रेटनिंग किए हुए लगभग 1 ईयर से ज़्यादा हो गया है, स्टील मेरा हेयर काफ़ी स्ट्रेट लुक दे रहा है। मैं बैक से दिखाती हूँ, अच्छे से देखिए देखिए, और हेयर में काफ़ी शाइन भी आ गया है। सो फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया मेरे हेयर में कितना ज़्यादा शाइन आ गया, मतलब बिफ़ोर क्या था आफ्टर क्या हो गया। तो आप लोग को भी अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग घर पे ज़रूर हेयर स्पा ट्राई करिए, और होप सो रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा आप लोग को भी। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आप लोग ट्राई करते हैं तो चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय फ्रेंड्स।